पर एनसीसी हमारे मुख्य अतिथि महोदय मंडल के प्रबंधक श्री जोगेश सिंह सोधी जी, हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब और हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर गोपाल जी कुमारिया, साथियों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी उपस्थित हमारे विभिन्न स्कूलों के बच्चों मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। अरे आगे आ जाइए, आगे आइए सर, आगे आए। हमारे माननीय जिलाधिकारी डॉक्टर जी एस बाजपेयी साहब, वे हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का मुख्य से स्वागत करें। अब मैं विशाखा जी और ओपी वर्मा साहब से मैं चाहूंगा कि वे हमारे बीच उपस्थित लेफ्टिनेंट कर्नल श्री आर जी शुक्ला साहब का मुख्य से स्वागत करें। अब मैं अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये चाहूंगा अन्य गणमान्य
सभी उपस्थित सज्जन, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से। और इस रेड रिप ऐसा प्रोजेक्ट है जो युवाओं में खास करके और जनमानस में एचआईवी एड्स के बारे में पूरी जागरूकता लाने के लिए उसमें हम लोगों ने जहाँ नई टेक्निक्स को यूज किया है जिसमें कि टच स्क्रीन वगैरह है, वहीं हम लोगों ने पुरानी मेथड्स को भी लिया है, बायोस्कोप है, टेलीफोन है, इन सब के माध्यम से ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों को 15-20 साल बाद और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 व्यक्ति इस समय एचआईवी संक्रमित हैं, जिसमें से 31,000 से 62,000 के बीच का जो गैप है ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने या तो दोबारा टेस्टिंग करवाई है और या वो टेस्ट करवा करके लांछन और स्टिग्मा के डर से गायब हो गए हैं और सोसाइटी में किसी को नहीं बता रहे हैं कि वो एचआईवी पॉजिटिव हैं, जो कि एक गलत मैसेज है, गलत चीज़ है। क्योंकि अगर उनका एचआईवी निःशुल्क जाँच उपलब्ध है, आप पता नहीं कि ये निःशुल्क जाँच जो है ये गोपनीय रखी जाती है और जिस शख्स की जाँच हुई है केवल उसी को बताया जाता है, हर किसी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, उसमें नाम किसी का नहीं बताया जाता, सिर्फ आंकड़े होते हैं कि आज हमें 10 एसटीडी क्लिनिक्स, ये भी सभी जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध है, क्योंकि एसटीडी क्लिनिक और एसटीडी हमारे बीच हमारे जनपद राजधानी के स्टेशन प्रबंधक स्वागत करता हूँ कि आप हमारे ये हमारा जो इनविटेशन है कबूल किया, आप आए, अपना समय दिया, आप दिल्ली में मीटिंग में थे उसके बाद भी आपने मैनेज किया हमारे लिए टाइम, और मैं आभारी हूँ। और आजकल के जो हम लोगों ने ये एक्सप्रेस देखा, आरआरई एक्सप्रेस देखा, तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़े पार्टनर जो इस एचआईवी एड्स के बारे में है वो रेलवे ही है, और इन आपके द्वारा हमको ये कोचेज मिली, 8-9 कोचेज मिली, और जो कि बहुत ही एयर कंडीशन है, बहुत ही सुंदर एटमोसफियर, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फिल्म्स हैं येस या नो करते हुए आप जाएंगे तो अलग अलग कहानी अलग अलग बनती रहती है, और किस तरह से टीचर्स हैं चाहे अलग लोग हैं वो अपना किस तरह से रिपीट करते हैं अपना, अगर अगर हम टेलीफोन उठाएं तो इस तरह की अच्छी बातें हैं। कई कोचेज में एफएक्यू टाइप है कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि कौन कौन सा क्वेश्चन दिल में नहीं चल रही थी, तो बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह था, आप लोगों ने देखा होगा 30-40 सीटें बनी हुई थी और ऑडियो विजुअल इसका डिपिक्शन था, और कितना अच्छी तरह जावेद अख्तर का एक गाना था एड्स के बारे में जिसमें कि सभी बॉलीवुड के स्टार्स ने पार्टिसिपेट किया, ये